हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट कंट्री जापान। तो सबसे पहले हम एक वर्ल्ड मैप पे देख लेते हैं कि जो जापान है वो कहाँ है। तो ये आप देखिए, यहाँ इंडिया है और इंडिया से आपको जाना पड़ेगा चाइना की तरफ, और जहाँ चाइना ख़त्म होता है, चाइना, उसके बाद साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, और इन दोनों के बाद आता है जापान। तो आप देख सकते हैं ये जापान है, ये एक आइलैंड कंट्री है और बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो कि इस पूरी कंट्री में आते हैं। ऑलमोस्ट 6,000 से भी ज़्यादा आइलैंड्स हैं, हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ये रशिया है, ये नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया और ये जापान है। तो आप देख सकते हैं कि जापान कहाँ पर, अगर हम एक वर्ल्ड मैप पे देखना चाहें तो कहाँ हमको जापान मिलेगा। हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पर। जो फर्स्ट फैक्ट है हमारी इस वीडियो का, वही है कि जापान ऐसी सबसे पुरानी कंट्री है जिसको कभी भी किसी फॉरेन पावर में, किसी फॉरेन कंट्री ने इन्वेड नहीं किया, मतलब उन पर कभी भी रूल नहीं किया, हमेशा वहाँ के लोकल्स ने अपनी कंट्री को संभाला है। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा कि जो जापान है, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें वो बहुत सारे आइलैंड से बना है। तो टोटल 6,852 आइलैंड है जो जापान में आते हैं टोटल, और उसमें से चार सबसे बड़े आइलैंड है जिनका नाम है होंशू, होकागाडियो, कोंशू, शिकाका, जो कि टोटल 97% जो टोटल लैंड एरिया है जापान का वो बनाते हैं। और जो बचे हुए ये आइलैंड्स हैं, जो कि हुए टोटल 6,848 आइलैंड्स, वो बाकी का 3% बनाते हैं। जो इस वीडियो का मेरा नेक्स्ट फैक्ट है वही है कि जापान एक बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज नेशन है। उनकी टेक्नोलॉजी, जो भी वो साइंस में कर रहे हैं आज के टाइम पे, वो वर्ल्ड में बेस्ट करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे ब्रांड्स हैं जो जापान से निकलते हैं और हमको उनके बारे में कभी नहीं पता होता, जैसे कुछ मोटर ब्रांड्स या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स। और जो सबसे ज़्यादा फेमस ब्रांड्स हैं, जैसे टोयोटा, होंडा, सोनी, निंटेंडो, कैनन, पैनासोनिक, तोशिबा, शार्क, और ये ऊपर आप थोड़े से इसमें और है, जैसे निसन और सोनी और ये कैनन, ये सारे ब्रांड्स हैं, और माजदा, ये सारे ब्रांड्स जापानीज ब्रांड हैं। तो आप देखिए, एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है और उसमें से कितने बड़े बड़े ब्रांड्स, कितने मैं कहूँगा कि ऐसे ब्रांड्स जिनका पूरी दुनिया में वो बेस्ट हैं, जो भी वो काम करते हैं उसमें वो बेस्ट हैं। तो इससे पता लगता है कि जो जापानीज लोग हैं, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, जो उनकी रिसर्च लेवल, वो कितना पूरी दुनिया के मुकाबले किस लेवल पर है। जो इस वीडियो का मेरा फोर्थ फैक्ट है वो ये कि अप्रॉक्सीमेटली हर साल जापान में 1500 अर्थक्वेक्स आते हैं। नंबर कभी बढ़ता है, कभी कम हो जाता है। तो एवरेज हर साल जापान में 1500 अर्थक्वेक्स आते हैं, जिसमें से जो मेजॉरिटी है, 99% होते हैं, वो माइनर होते हैं। उनकी रिक्टर स्केल पे वैल्यू 5 से ऊपर नहीं जाती, पर हर साल जापान में एक या दो मेजर अर्थक्वेक्स भी आते हैं जिनकी रिक्टर स्केल पे वैल्यू 8 तक भी चली जाती है। जो हमारा अगला फैक्ट है वो ये, टोक्यो जो कि जापान की कैपिटल है, वो बिगेस्ट सिटी है दुनिया की। तो दुनिया की सबसे बड़ी सिटी है टोक्यो, जिसमें 37 मिलियन लोग रहते हैं, और जिसकी ग्रोथ है अभी वो रुक गई है, इसकी वैसी ग्रोथ नहीं हो रही है जो आज से 10 साल पहले हो रही थी। और माना जा रहा है कि 2020 तक इसकी जो ग्रोथ है उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो गया, नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगी। और जो दिल्ली है, दिल्ली बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, 2028 में दिल्ली दुनिया की सबसे बड़ी कैपिटल बन जाएगी, टोक्यो को बीट करके सबसे ज़्यादा लोग होंगे, दिल्ली सबसे बड़ी सिटी होगी पूरी दुनिया की। जो इस वीडियो का हमारा सिक्स फैक्ट है वही है कि जापान का जो 70% एरिया है वो कंसिस्ट करता है माउंटेन से, और जापान में 200 से भी ज़्यादा वॉल्केनोज है, और उसमें से कई वॉल्केनोज एक्टिव भी हैं। तो आप देखें कि एक ऐसी कंट्री जिसमें बहुत सारे वॉल्केनोज हैं, अर्थक्वेक आते रहते हैं, पर फिर भी उन्होंने अपने आप को कितना रेवोल्यूशन कर दिया, अपने आप को कितना उन्होंने मैं कहूँगा इंडस्ट्रियली अपने आप को कितना ग्रो किया है कि वो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स उस कंट्री से निकलते हैं। जिस वीडियो का मेरा सेवन्थ फैक्ट है वही है कि जो लिटरेसी रेट है जापानीज यूथ में, वो हमेशा ऑलमोस्ट 100% के आसपास ही रहता है। बहुत कम ही ऐसे चांसेस होते हैं कि 99 या 98% पे आए, ये हमेशा 100% के पास ही रहता है, जो कि हाईएस्ट है पूरी दुनिया में। तो पूरी दुनिया में जो यूथ का लिटरेसी रेट है वो जापान में हाईएस्ट है। जो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है वो ये है कि जो जापानीज ट्रेन है, जो एक बहुत ही फेमस ट्रेन नेटवर्क है, इनके पास दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन है, और ये दुनिया का सबसे पंचुअल ट्रेन सिस्टम है, जिसका एवरेज डिले सिर्फ 18 सेकंड्स का है। तो जो जापानीज ट्रेन सिस्टम है उसका एवरेज डिले सिर्फ 18 सेकंड्स का है, और जो इनकी बुलेट ट्रेन है, जो कि माना जाता है कि सबसे फास्ट ट्रेन होती है दुनिया में, जो कि जापान में चल रही है 1964 में, वो भी कभी लेट नहीं होती, उसका भी जो एवरेज डिले पीरियड है वो 18 सेकंड्स का ही रहता है। जो जापान कंट्री है, ये ज्योग्राफिकली हम देखें तो ये एक ज्योग्राफी में एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो क्या होता है कि जैसे आपको पता हो कि हमारा जो भी अर्थ सरफेस है उसके नीचे बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, और वो आपस में जो उनकी मूवमेंट्स होती हैं उसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, उसकी वजह से जो भी सरफेस पे मूवमेंट होती है वो उन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से होती है। तो एक एरिया है जिसको बोला जाता है रिंग ऑफ फायर। तो जो रिंग ऑफ फायर एरिया आप ऊपर मैप में देख सकते हैं कि इस कौन कौन सी कंट्रीज़ के पास ही है,
तो ये जो रिंग ऑफ फायर एरिया है, इसको माना जाता है कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स के आने में, और जापान इस एरिया के अंडर आता है। तो जापान में 2011 में 9.0 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से बहुत ही मेजर सुनामी भी आ गई थी और बहुत वहाँ पर बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हुई थी, उनके काफ़ी स्ट्रक्चर्स टूट गए थे, उस कंट्री को बहुत लॉस हुआ था, पर फिर भी इन्होंने अपने आप को वहाँ से उठाया, ग्रो किया और आज भी जापानीज़ इकोनॉमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ये बहुत चीज़ों में इनकी बहुत कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं और आज भी जो भी इंटरनेशनल मार्केट है उसमें कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता इस कंट्री को। जो इस वीडियो का मेरा लास्ट फैक्ट है वो ये कि 21% ऑफ जापानीज़ पॉपुलेशन है वो एल्डरली कैटेगरी में आती है। इनकी हाईएस्ट प्रोपोर्शन है पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में जितनी भी अगर आप कोई भी कंट्री देखें, जैसे इंडिया को एक यूथ कंट्री बोला जाता है क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी है वो यूथ की है, पर जापानीज़ में 21% जो उनकी पॉपुलेशन है वो एल्डरली कैटेगरी में आती है। और जापान एक ऐसी कंट्री पूरी दुनिया में जहाँ 50,000 से भी ज़्यादा लोग 100 ईयर्स से भी ज़्यादा उनकी एज है, तो इससे पता लगता है कि उनकी जो कल्चर्स हैं, जो उनके ट्रेडिशंस हैं, वो उसमें हेल्थ को वो काफ़ी इंपॉर्टेंस देते होंगे, तभी ये नंबर वो अचीव कर पाए। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको इस कंट्री के बारे में, एक छोटे से आइलैंड नेशन के बारे में पर जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट्स पता लगेंगे और आपको पता लगा होगा इस कंट्री के बारे में क्या क्या ये कंट्री करती है और किन किन सेक्टर्स में इस कंट्री ने बहुत इन्वेस्ट किया और बहुत रिसर्च की। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए एंड हैव अ सक्सेसफुल डे।